इनकी बहू हमारे गांव। चाय पी लो दोस्तों, ठंड बहुत पड़ रही है आज। हाँ प्यारे प्यारे पतिदेव ने बनाई है। आपके पतिदेव बनाते हैं चाय? कौन कौन के बनाते हैं? मैं तो रोज ही बनाता हूँ, कोई नई बात नहीं है। ये कौन से दिन बनाते हैं? कभी मेरे हाथ की अच्छी नहीं लगती, बनानी नहीं आती, तो अच्छी कहाँ से लगेगी। मैंने कभी पी नहीं शादी से पहले, चाय नहीं पी लोगे? हाँ पूछ लेना, मैं बहुत कम चाय पीती थी। अच्छा यहाँ पे याद करनी सी की चाय पी, तुम लोग तो बोल देते चाय पिया घर पे खूब पीते हो, हर घंटे बाद तो चाय बनती थी घर में। झूठ क्या बोल रहे हो भैया, पीते बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा भी ना, जैसे नया बनती है वैसे पीते। तो मैं जाता तो जब अक्सर पर मम्मी का वो चाय पी, बिना चाय भी आने देते। मैं सोचता हूँ दाल में कहा काले चाय पे। जय श्री राम। पता चली करे ना, अपनी बहन की सेटिंग करना चाह रहे हैं। लगेज लगा रहे हैं सर। आप हमारे घर कितने सालों से जा रहे थे? मैं नहीं, दो ढाई साल। एक भी बार नहीं देखी मैं, मतलब ही बाहर तो देखी तो खैर खरीदे थे बाहर। हमारे घर ये ढाई साल से जा रहे थे और एक ही बार इन्होंने मैं अपने घर पे नहीं देखी। मैं किसी के घर में ताकता नहीं, ताक झा नहीं करता कभी। तो बाय चांस कभी ना, जब सब फैमिली निकल के आती, पहली बार तो हमारे यहाँ कोई आता था ना, तो मतलब हम भाभी भी बहुत कम चाय देने जाते। भैया मुझसे छुपा के रखते थे इनको, ज्यादा ये ऊपर से उतरी हुई आसमान से वो थी। ऐसी बात नहीं है, चश्मा चश्मे। हाँ यहाँ कोई जेंट्स आता ना तो लड़कियाँ कम निकलती हैं, और अब भी है ये बात। किसी के नहीं निकलती वो तो। हाँ तो बस, तो फिर कहाँ से देखते हैं। पर ढाई साल में एक ही बार ऐसी बात तो ना, घूमते फिरते कोई ना देखे। और फिर शादी की 3 महीने पहले हमारी गोद भरी गई, तो फिर इतने देखे, फिर डेली घूमे, फिर अतमा शादी। फिर हमारे गाँव में क्या कहते हैं, यहाँ पे ससुराल में मेरे यहाँ पे चाय चाहिए कि हमने लव मैरिज की है, सब लोग यही बोलते हैं। तो लव मैरिज तो होती है, पहले प्यार होता है फिर शादी। नहीं, शादी के बाद जो प्यार होता है ना वो अच्छी बात है, वो कभी दुखदाई नहीं होता। हाँ। और जो पहले प्यार करके शादी करते हैं ना वो हमेशा पछताते हैं। 100 में से मतलब 20% नहीं पछताते होंगे, बाकी सबको ले। एक एग्जांपल हमारे गांव में है ऐसा। गरम ना है बेटा, ठंडी है। दोनों इसी में से पी लेना लो। कम कर लो, अपने कप में दे रहे। ले तो। गरम है बेटा, बहुत गरम है। अपने कप में दे दूंगी दीदी को, ठीक है? ठंडी गरम गरम पिए है ना? ठंडी गरम। दीदी को करा। फोन आ गया आपका। यहाँ ना कल यानी जिस कल की वीडियो है, तो परसों शाम को विनीत जी पैठ गए थे, हमारे यहाँ पैठ लगती है, तो वहाँ से ना मतलब सही मिल गया था साग, काफ़ी सब्जियाँ लेकर आए, तो ये मतलब जो रेट मिलता है उससे ठीक मिल गया, तो ज़्यादा ले आए मेथी पालक दोनों। तो इसको है ना मैं ऐसे ही फरेरा होने डाल दूँगी और फिर साग बनाऊँगी। आज तो नहीं बना रही, कल वल देखूँगी। तो इसीलिए मैं ना ऐसे ये भूसी की बोरी है ये मैंने ऐसे ही कर रखी है, कुछ सब्जियाँ वब्जियाँ जैसे हरी सब्जी आती है तो उसे फैला के रख दो, तो इसे अभी ऐसे ही फैला के रख दूँगी। देख ले, मैच कर रही है ना? मैच कर रही है, ऐसा लग रही है वो ट्विन वन वाली जैकेट आ रहा है। छोटी है पीछे से, छोटी है। बेकार है, और इतने दिन बाद लौटा लेगा अभी ना। ना सही है, शादी के बाद जैसे तैसे तो एक जैकेट आई और वो भी ऐसी आई। तो मैं जब ही पहन के देखनी सही है। हाँ सही है, तो हमेशा चीज छोटी लाते, चाहे बच्चा की हो चाहे बड़े की हो। इतने दिनों बाद, एक महीना है वो जा रखे हुए, जैकेट अच्छी है। और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि जो ना हाफ भी है और फुल भी दोनों पहन लो, स्लीव निकाल के। क्या बना रहे हैं? सब्जी का स्वाद बना रहा हूँ। फ्राई? एक होटल खोलने का ढाबा है? अब भाई मैं शुरू से इन चीजों में हूँ, अब चाहे तुम होटल खुलवाओ या ढाबा,
अरे तुम घर चला लेते तो फिर मेरे को मम्मी के जो ना भेजते। आदमी घर चला लेता है तो मतलब वो ब्याह ना करे, बीवी ना लाए, चौका चूल्हे में लगा रहे है। अब कम से कम 10-15 दिन के मुझे है ना अब वे शेफ आदमी पता है। सब लोग ये कहते हैं कि विनीश भाई बहुत अच्छे हैं। अच्छे मुझे पता है कैसे हैं। अब ये तो उनको पता है कि तुमको पता है। सच्ची में अच्छे हैं भाई। विनी जी ने सब्जी बना दी थी और वो खाना खा के भी चले गए थे। मतलब ऐसे ही मतलब गए कहीं हैं तो घर पर ही मतलब निकल गए खाना खा के अपना घूमने। और मम्मी ने भी खा लिया, मैं बची थी तो अपने लिए रोटियां डाल रही हूँ। मैं डाल रही हूँ आज हाथ की रोटियां, क्योंकि जब ना कम मेंबर्स लगते हैं ना, मतलब होता है ना कि ज़्यादा भूख ना हो किसी को, तो मैं फुलकिया वाला काम नहीं बढ़ाती क्योंकि उसमें फिर गैस साफ़ करो, ये करो वो करो। तो आज सबने ना थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा स्पेस दे के खाना खाया था, तो मैंने ना आज हाथ की बनाई। तो थोड़ा जल्दी जल्दी कोई बनाता है ना, मतलब सॉरी खाता है ना, तो फिर मैं फुलकिया ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ अपने खाने की प्लेट। खाने में है ये कढ़ी रखी हुई थी 2 दिन पहले की, ये मैंने गरम कर लिए। और आलू मटर मैंने बनाए थे। मैंने ना अभी बाल कॉम भी नहीं किया, ऐसे ही है। मुझे बालों की ना पता बिल्कुल चिंता नहीं रहती कि मेरे बाल कंघे हुए हैं या नहीं, जब टाइम मिल जाए तभी काट लेती हूँ। और थोड़ा सा मिर्ची का अचार तो मैं खा लूँ खाना। आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म रोटी खाइए। वैसे सर्दियों में गर्म गर्म रोटियाँ ही अच्छी लगती हैं। और एक भाई बोल रहे थे कि है ना हमारे मतलब दिया पे ना चूल्हे पे खाना क्यों नहीं बनाती हैं। एक्चुअली क्या है, हमारे घर खाना जो है एक साथ नहीं बनता, दो कभी कोई खाता है दो कभी कोई खाता है। अब जैसे कि मैं बची हूँ तो मैंने अब मैं नहा ली, फ्री हो गई तो अब मैंने बना लिया अपने लिए। और जैसे विनी जी को भूख लग रही तो विनी जी के लिए, मम्मी को लग रही तो ऐसे बनता है। तो अब चूल्हे पे तो ऐसे हो नहीं सकता। और शाम को हमारे यहाँ 8 बजे खाना बनता है, तो नीचे चूल्हा है नहीं, ऊपर छत पे अंधेरा हो जाता है, ऊपर बाहर के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और घेर में जो चूल्हा है वहाँ पे भैंस बनती है तो मन नहीं करता। वैसे देखेंगे बनाऊंगी मैं, अभी गर्मियों में मिट्टी आएगी ना चूल्हे वाली आती है, पोखर सूख जाती है तब, तो वहाँ से लेकर आएंगे तब बनाऊंगी मैं। तो मैं खा लूँ खाना। ये देखो ये अभी से ही चक्कर काट रही हैं, 3 बजे हुए हैं इनको, है ना। मतलब इतने भी पता नहीं क्या घड़ी लगी रहती है या क्या, अभी 1 घंटा बाकी है और ये 3 बजे से ही ऐसे गोल गोल घूमने लगेंगी, चारा खाने के लिए करने लगेंगी। और पता है इन दोनों को देख के ना, ये मुन्ना भी ऐसा ही हो गया, वो भी है ना किल्लाने लगा है गोल गोल। ये तो ठीक है उसके दीवार के पास में उसका खूंटा नहीं, वो भी ऐसे गोल गोल घूमने लगे, आधा ही घूम पाता है। और इन दोनों को देख के ना वो भी ऐसी हरकतें करता है इनके जैसी, कूदना भागना। और हमारा तनु तो ये बोलता है कि ये बड़ी वाली मम्मी है, ये कुकू दीदी है और ये मैं हूँ, यानी मुन्ने को तन में बोलता है। ये देखो ये देखो 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 नीश बहुत ज़्यादा मतलब शैतान है। और इसकी इन हरकतों से ये लगता है कहीं खूंटा ना तोड़ के भाग जाए। ये देखो 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 देखो, मैं तब से यहीं पे बैठी थी, मुझे 1 घंटा हो गया यहाँ पे बैठे बैठे आप लोगों को रिप्लाई दिए, और जो एक तो वीडियो देखनी होती है वो, और इनका टाइम भी हो गया। ये देखो देखो ऐसे घोड़ी जैसे उछलती है। और पता घोड़ी से याद आया मुझे ना, कई बार कमेंट आए हैं और वो मुझे बोलते हैं कि आप है ना हॉर्स राइडिंग दिखाओ। तो भैया हमारे यहाँ हॉर्स नहीं पाले जाते, ये ना गुजरात साइड में ही पाले जाते हैं, आई थिंक वो भी गुजराती हैं इसलिए मुझसे बोलते हैं। हमारे यहाँ घोड़े नहीं पालते हैं इसलिए मैं आपको ये सब नहीं दिखा सकती। और आज भैया दूध वाले भैया का टर्न है, वो विनी जी बोल रहे थे कि है ना आज मतलब मैं ही डेली काटता हूँ, वो तो एकदम फ्री हो गया है, तो मैं तो जा रहा हूँ थोड़ा सा घूमने मार्केट तक, और उसे कहती हूँ वो दूध निकाल ले। तो आज दूध वाले भैया दूध निकाल रहे हैं, ये काफ़ी स्पीड से निकालते हैं। और ये बता रहे थे कम से कम मैं ना डेली की कम से कम 50 धार निकालता हूँ, यानी 50 भैंसों का दूध निकालता हूँ। तो मैं कहती हूँ कि आपके हाथ नहीं थकते, मैं तो एक भैंस के निकालने में ही मेरे हाथ दुख जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही,
आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ 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 प्लीज़, है ना। और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर देना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।